नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Q&A वीडियो के ऊपर। काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, काफी दिन से Q&A वीडियो नहीं आ रहा है, तो फाइनली आज दोस्तों आ चुका है जोरदार वाला Q&A वीडियो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके बहुत सारे कॉमेंट रहते हैं, उनके आंसर नहीं मिल पाते हैं, तो आज इस Q&A वीडियो को लाइव तक देखते रहिए। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि काफी सारे इस बार मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं और इस वीडियो के अंदर सबके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। काफी लोगों की प्रॉब्लम भी है पबजी से रिलेटेड, वो सब भी सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए फटाफट से आज के पहले क्वेश्चन को पिक करते हैं और देखते हैं भाई किसने पहला क्वेश्चन किया हुआ। तो दोस्तों आज का पहला जो कमेंट आया अभिषेक शर्मा का, इन्होंने लिखा है भाई आप कौन सा मोबाइल में पबजी खेलते हो, अपने मोबाइल का नाम बता दो यार भाई, और रैम इंटरनल स्टोरेज बता दो भाई प्लीज प्लीज प्लीज। भाई मैं पोको X2 यूज करता हूं और ये है 6 GB रैम वाला वेरिएंट है दोस्तों, जिसमें अच्छा खासा पबजी चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं इसके अलावा भी अल्टरनेटिव कई फ़ोन यूज करता हूँ जिनके अंदर पबजी खेलता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डेडिकेटेड मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा जिनके जिन फ़ोनों के अंदर मैं पबजी खेल चुका हूँ, और वो काफ़ी सस्ते सस्ते फ़ोन हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके अंदर देखने को मिला है मुझे। लेकिन एक दो ऐसे फोन भी हैं जिनके अंदर बहुत बेकार एक्सपीरियंस देखने मिला है और वो काफी महंगे फोन भी हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपने दूसरे चैनल पे इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा पबजी के लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा रहेगा दोस्तों अंडर 20,000 के अंदर दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन किसका आया है। तो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट आया डाविड का, इन्होंने लिखा है ब्रो हैकर क्यों बैंड नहीं होते हैं, मैं आज 20 गेम खेला उसमें 9 गेम में हैकर था, क्यों क्यों क्यों। भाई देखो हैकर बैन होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैन बिल्कुल नहीं होते हैं, बैन होते हैं, लेकिन जब हम लोग एक आईडी बैन कराते हैं ना तो भाई वहां पे 4-5 आईडियां नई बन जाती हैं, तो ऐसे में लगता है कि हैकर बैन नहीं हो रहे, बैन हो रहे हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बैन हो रहे, मैंने खुद बैन कराए हैं, हैकर बैन होती हैं, आईडियां भी बैन होती हैं, लेकिन भाई कहते हैं ना कि हैकर जितने भी होते हैं वो कभी भी मतलब रियल आईडी से नहीं खेलते, वो लोग गेस्ट मोड से खेलते हैं, इंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो लोग भाई गेस्ट मोड से खेले, एक आईडी बैन हो गई, दूसरी आईडी फिर से बनानी, फिर उसमें हैक यूज कर लिया, ये करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जितनी आईडी बैन कराते हैं उससे ज्यादा वो आईडिया क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। अब इसका सलूशन तो भाई पबजी ही निकाल सकता है कि ये पूरी तरह से कब खत्म होंगे, इसका आईडिया मेरे पास भी नहीं है कि भाई कब तक पबजी वाले इसका पूरी तरह से सलूशन निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट कमेंट जाता है दीपांकर दास का, इन्होंने लिखा है भैया आपके दोनों चैनल देखता हूं भाई, पबजी लाइट गेमर्स उसमें जो ग्लिच के बारे में बोला था भैया सच कहा था आपने, ग्लिच करने से आईडी बैन हो जाती है, थैंक यू भैया, अब जो बात बोलते हो सही होती है, अब सही में सच बताते हो, थैंक्स, ओके ब्रो लव यू, बहुत बहुत प्यार है आपके कमेंट के लिए। और मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था भाई, इतना तो हैक करने से भी आईडी बैन नहीं होती है जितना ग्लिच करने से होती है, बस ग्लिच बड़ा होगा ना तो भाई आईडी बैन हो जाएगी, इसीलिए मैं ग्लिच के ऊपर वीडियो बहुत कम लाता हूं, अगर लाता भी हूं तो स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि भाई इसको केवल नॉलेज पर्पज के लिए यूज करना, नहीं तो आईडी बैन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए मैं काफी दिन से वीडियो ही नहीं बना रहा हूं ग्लिच के ऊपर। अगर लाऊंगा भी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ग्लिच से आपकी आईडी बैन हो सकती है, कौन से ग्लिच से नहीं बैन होगी, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉमेंट कौन सा है। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट कमेंट है जसन भुल्लार का, इन्होंने लिखा है भाई एक रिक्वेस्ट है भाई, किस गन का कौन सी गन के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा है उस पर वीडियो बना दो। भाई शायद मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने काफ़ी दिन पहले ये वीडियो बना दिया है, फिर भी आपने कमेंट किया है, मैं कोशिश करूंगा एक और नया वीडियो लाने की बहुत जल्दी, जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कौन सी गन के साथ कौन सा गन का आपको कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, आप वेट करते रहिए, जल्दी ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का मतलब मेरे हिसाब से कॉमेंट रहा होगा ये वाला, तो बहुत जल्दी ये वाला वीडियो आएगा। बाकी आप लोग फिर से कमेंट करके बता सकते हो कि कितने लोगों को इस वाले वीडियो की ज़रूरत है कि कौन सा गन का कौन से गन के साथ कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट कॉमेंट। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट कमेंट आया अमित शर्मा का, इन्होंने लिखा है भाई मेरा भाई पबजी लाइट को बार बार डिलीट कर देता है, प्लीज पबजी लाइट को हाइड करने
पर वीडियो बना दो प्लीज भाई। भाई पबजी लाइट को हाइड करने के लिए काफी सारे एप्लीकेशन आते हैं, काफी सारे लॉन्चर भी आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं आसानी से और अपने पबजी लाइट को हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन का मुझे मॉडल नहीं पता आपके, नहीं तो मैं अभी बता देता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन भी आ रहे हैं जिनके अंदर इनबिल्ट मतलब किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करने का ऑप्शन होता है। शायद आपने उसको देखा नहीं है, अगर आपने नहीं देखा है तो अपने फोन की सेटिंग में जाकर चेक कर लेना, वहां पर हो सकता है कि आपको इनबिल्ट ही ऑप्शन मिल जाए कि आप किस तरह से एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं अपने। नहीं तो आप YouTube पे जाके सर्च कर लेना, वहां बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ऑलरेडी इसके बने हुए हैं। काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जिनसे आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, पूरी तरह से हाइड कर सकते हैं, मतलब जब आपको जरूरत होगी तभी आप उसको निकाल पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कॉमेंट की। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉमेंट आता है अर्नो का। इन्होंने लिखा है, भाई मैं जब पबजी खेलता हूं तो मेरे हाथ से बहुत पसीना आता है, क्या करूं, सोल्यूशन बताना भाई, आपकी वीडियो 5 महीने से देख रहा हूं, लव यू बिग फैन ब्रो। ओके, दिल से लव यू होगा भाई, बहुत अच्छा लगा आपको कमेंट देख के दोस्तों। और एक चीज आपको बता दूं कि देखो पसीना आना ये जेन्युइन होता है, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म से ही ये होता है कि हाथों में पसीना आता है दोस्तों। ठीक है, इसका मेरे पास सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका मैं एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे आप पबजी आसानी से खेल सकते हो दोस्तों। आपके घर में कोई भी पाउडर होगा, ठीक है, जो चेहरे पर लगाया जाता है, नाइसिल्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उनको आप हाथों पर लगा लीजिए काफी सारा, ठीक है, हाथों पर लगा लेंगे तो पसीना आएगा भी तो इतनी जल्दी आपको दिक्कत नहीं करेगा दोस्तों, एक बात याद रखना। और हाँ एक और सोल्यूशन है, आप सुबह सुबह काफी ज्यादा हाथों वाली एक्सरसाइज कीजिए जिसमें हाथों में प्रेशर पड़े, तो उससे क्या होगा कि पसीना थोड़ा आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना ज्यादा आपको पहले नॉर्मली में आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा सुझाव है जो आप हमें बताना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज के लिए वेट करते रहिए, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपके क्वेश्चन को हम पिक कर लें दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।